रेसिडेंट माई सेल्फ मोनिस अली। टूडे वी विल डिस्कस केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, क्लास 11th की बात हम करेंगे, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री के जो बेसिक्स कंसेप्ट्स हैं यहाँ पर हम वही क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम शुरू से ही। सबसे पहले कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। देखिए, फादर ऑफ केमिस्ट्री की हम बात करें तो लेवोशियर इज नॉन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट, इसमें हम कुछ केमिकल कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे इन द बिगिनिंग, एंड जैसे जैसे नेक्स्ट क्लासेस चलेंगी तो कंपाउंड्स के बारे में हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड की। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है इसको NO से रिप्रेजेंट करेंगे आप, और यूज़ अ मैसेंजर इन आवर ब्रेन। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है इसका यूज़ किया जाता है एज अ मैसेंजर इन आवर ब्रेन। नेक्स्ट CFCs, देखिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लोरो CFCs है, एंड इसका फुल नेम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका यूज़ बेसिकली जो है फ्रीज में किया जाता है या AC वगैरह में इसका यूज जो है हम करते हैं कूलिंग इफेक्ट को बढ़ाने के लिए। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इसका हार्मफुल इफेक्ट है CFC का। नेक्स्ट सिसप्लेटिन एंड टैक्सोल, ये क्या एंटी कैंसर ड्रग्स हैं। देन सिलिकॉन की हम बात करेंगे तो इसका यूज़ कंप्यूटर चिप्स बनाने में किया जाता है। ये सिलिकॉन जो है एक सेमी कंडक्टर है, क्या है, एक सेमी, इसको लिख सकते हैं आप सेमी कंडक्टर। सिलिकॉन क्या है, एक सेमी कंडक्टर है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर में मैटर, व्हाट इज द मैटर। देखिए मैटर क्या होता है, मैटर एनीथिंग दैट विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस हम डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट्स में, फर्स्ट हमारा केमिकल एंड सेकंड है फिजिकल। देखिए मैटर को हम किस बेस पर डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर हम वो लिख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस। On the basis of existence, किस फॉर्म में ये हमें मिलता है उसके आधार पर हमको इसको डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट्स में, केमिकल एंड फिजिकल। नेक्स्ट जो केमिकल स्टेट होती है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं मिक्सचर एंड प्योर में, देन मिक्सचर को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, हाइड्रोजीनियस मिक्सचर। देन प्योर को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड किए हैं यहाँ पर, देन फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, नेक्स्ट हमारा कंपाउंड्स हैं। जो फिजिकल हैं, फिजिकल स्टेट क्या क्या हो सकती है मैटर की, वो हम यहाँ पर लिखे हैं सॉलिड लिक्विड गैस एंड बोस आइंस्टीन देन प्लाज्मा। देखिए सबसे पहले हम बात करें फिजिकल स्टेट में, तो सॉलिड हम कोई मैटर लेते हैं, जब हम सॉलिड मैटर हमने कोई लिया उसको हमने बाहर से हीट देंगे तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और जब लिक्विड को हम और ज़्यादा हीट देते हैं तो वो क्या बन जाता है, गैस। गैस को जब हम हीट देंगे तो वो क्या दें? किस में चेंज हो जाएगा, प्लाज्मा में। वैसे ही आपने यहाँ पर देखा जो है टेम्परेचर हम कंसिस्टेंटली क्या किया, इनक्रीज करते गए हैं। अच्छा, ये जो साइन मैंने लगाया है यहाँ पर डेल्टा, इसको जो बोलते हैं हीट का जो है, डेल्टा जो है ये यहाँ पर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है हीट को। तो यहाँ पर हमने क्या है, हीट को इनक्रीज़ किया है। जैसे जैसे हीट जो है इनक्रीज़ होता गया है, मैटर की स्टेट क्या हुई है, चेंज होती गई है। अच्छा, जब हम सॉलिड से लिक्विड गैस एंड प्लाज्मा की साइड हम जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट जब हम गए तो क्या हमको देखने को मिल रहा कि हम एनर्जी जो है बाहर से दे रहे हैं किसी भी सिस्टम को या किसी भी मैटर को। तो यहाँ पर जब हम बाहर से एनर्जी देते हैं किसी भी सिस्टम को तो वो प्रोसेस क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। देन हम प्लाज्मा को हमने कूल किया, जैसे हमने एंडोथर्मिक प्रोसेस में किया है वैसे ही राइट टू लेफ्ट जब जाएंगे
तो क्या होगा, प्लाज्मा को जब हम कूल करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। जब गैस को हम कूल करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। लिक्विड को भी और ज़्यादा जब ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड बन जाता है। जब सॉलिड को और ज़्यादा जब हम कूल करते हैं तो वो किस फॉर्म में आ जाता है, बोस आइंस्टीन। ये एक साइंटिस्ट का नेम है, बोस आइंस्टीन। इन्होंने इस फेज को डिस्कवर किया था और फिर इसका नाम बोस आइंस्टीन ही रख दिया गया। इधर से जब हम राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं तो आपको देखने को मिल रहा है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। मतलब एक्सो का मीन होता है रिलीज करने के लिए, बाहर निकलना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। थर्मिक मतलब टेम्परेचर, एक्सो मतलब बाहर निकलना। तो जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, जो एनर्जी है वो क्या आ रही है, बाहर आ रही है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस हमने नाम दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं, जो केमिकल का हमने स्टेट पढ़ी है, मिक्सर एंड प्योर। तो प्योर में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिमेंट की। देखिए एलिमेंट क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, दैट इज ऑल एटम्स हैव सेम साइज, सेम शेप एंड सेम मास, इट्स कॉल्ड एलिमेंट। तो हम उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। अच्छा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है आपका पीरियडिक टेबल में, जो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के डिस्कवर किए गए थे पीरियडिक टेबल में, उनका नंबर था 114। यहाँ पर लिख सकते हैं 114। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का कितना, 114। इसमें सॉलिड्स कितने थे, लिक्विड्स कितने थे एंड गैस फॉर्म में कितने एलिमेंट्स थे, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सॉलिड्स एलिमेंट जो थे उसका नंबर कितना था, सॉलिड्स की हम बात करें तो कितने थे, वो टोटल 97 एलिमेंट्स थे। वैसे ही हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड थे आपका 6 एलिमेंट। कौन कौन से थे वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ब्रोमीन था, देन मर्करी था आपका, गैलियम था, सीजियम, फ्रेंसियम एंड अनअम्बियम। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गैस एलिमेंट्स कितने थे। देखिए गैस एलिमेंट्स जो थे इनका नंबर 11 था। कौन कौन से थे वो भी हम लिख लेते हैं, H2O, O2, F2, N2, Cl2, He, Ne, H मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन एंड देन रेडॉन। ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स था जो गैस फॉर्म में हमको मिले थे इन द बिगिनिंग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। अच्छा इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स क्या होता है इसको भी हम पढ़ लेते हैं। When two or more atoms, लिख लेते हैं इसको, when two or more atoms, when two or more atoms of different element combine of differ एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन बाय मास। देन अ मॉलिक्यूल ऑफ A compound is formed. A molecule of a compound
इज फॉर्म्ड। जैसे क्या होते हैं एग्जांपल हम लिख लेते हैं, H2O, CO2, NaCl, NH3 एंड शुगर, इसको हम लिखते हैं C6H12O6 एंड एट्सेट्रा। बहुत सारे हैं, सारे तो यहाँ नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप समझने के लिए कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिखे हैं। अच्छा, इसको समझ लेते हैं, देखिए क्या हो कर रहा है यहाँ पर। आपको मैं एक बार थ्योरी बता देता हूँ, देन उसके बाद यहाँ समझा देता हूँ लिखकर। कि अगर हम यहाँ बात करें वाटर का ही, हम देख लेते हैं वाटर क्या है, कैसे बना ये कंपाउंड। वाटर क्या एक कंपाउंड है, तो किस किस एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से जो है वाटर का फॉर्मेशन हुआ है। तो फर्स्ट देखते हैं, वाटर इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ टू हाइड्रोजन एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है टू हाइड्रोजन एलिमेंट्स एंड वन ऑक्सीजन एलिमेंट्स एंड वन ऑक्सीजन एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ 1:8 बाई मास। देखिए कैसे यहाँ पर आपको 1:8 क्या है, यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 8 होता है। तो क्या इनका रेशियो रहा है जिससे कि ये एक वाटर मॉलिक्यूल जो है, वाटर कंपाउंड जो है फॉर्म हुआ है। वाटर इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ टू एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन केमिकली कॉम्बिनेशन केमिकली कॉम्बिनेशन इन अ फिक्स प्रोपोर्शन इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। देखिए यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर जो लिखा है वाटर इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन केमिकली कॉम्बिनेशन इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। देखिए बाय मास हमने बात की है, तो H2 हम लिख लेते हैं यहाँ पर समझने के लिए, H2O, H2O का मास कितना। देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, अगर आपसे पूछे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, आपने 10th क्लास में पढ़ रखे होंगे, 30 तक आपको आई थिंक याद होंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं H2O का जो एटॉमिक मास होता है 1 होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। एंड देन ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, देखिए एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है, लेकिन बात करें हम एटॉमिक मास की, तो कितना होता है, 16 हो जाएगा। तो इसको हम जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1:8। तो यही इसका जो होता है बाई मास फिक्स प्रोपोर्शन होता है। जब भी वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा वो कितना जो है रेशियो में रहेगा, 1:8 उसका हमेशा यही रेशियो आपको देखने को मिलेगा। देन इसके बाद हम बात कर लेते हैं
मिक्सर का, मिक्सर, मिक्सर क्या होता है देखिए, मिक्सर आर मेड अप ऑफ मिक्सर आर मेड अप मिक्सर आर मेड अप टू और मोर सब्सटेंस और मोर सब्सटेंस टू और मोर सब्सटेंस कॉल्ड कॉल इट्स कंपोनेंट्स इट्स कंपोनेंट्स पॉजेस वेरिएबल कंपोजिशन वेरिएबल कंपोजिशन मिक्सर आर टू टाइप्स टू टाइप्स देखिए मिक्सर क्या, मिक्सर आर मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, जो मिक्सर होता है बना होता है टू सब्सटेंस के मिक्स होने से बनेगा या दो से ज़्यादा सब्सटेंस के मिक्स होने पर जो है बनता है। इट्स कंपोनेंट्स पॉजेस वेरिएबल कंपोजिशन, जो इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सर के अंदर वो क्या होते हैं वेरिएबल, उनका जो है कंपोजिशन रहता है। वेरिएबल कैसे, जैसे आप बात कर सकते हैं एक सॉल्यूशन हमने बनाया, एक मिक्सर हमने बनाया शुगर का, तो उसमें क्या आपने एक लीटर वाटर लिया, वेरिएबल कंपोजिशन से मतलब हम यहाँ देख लेते हैं क्या है कंपोजिशन, वेरिएबल कंपोजिशन होता है मिक्सर्स में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ शुगर मिक्सर का एग्जांपल के तौर पर, हम यहाँ समझ रहे हैं कैसे ये रहता है। देखिए आपने एक लीटर वाटर लिया और इसमें आपने 100 जो है mg सॉरी 100 ग्राम क्या किया इसमें शुगर को मिक्स कर दिया। जब ये इसमें मिक्स हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए सॉल्वेंट क्या हो जाएगा वाटर, और जिसका जो है कंपोजिशन कम होती है वो ऑलवेज क्या होता है सॉल्यूट होता है, ये बात आपको याद रखना है। देखिए जब एक सॉल्यूशन या एक मिक्सर बन रहा है तो उसमें आप देखेंगे जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वो हमेशा क्या होगा सॉल्वेंट होगा, और जो कम क्वांटिटी में होगा वो क्या होगा हमेशा सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर यही चीज़ हम बोल रहे हैं कि वेरिएबल कंपोजिशन होता है किसी मिक्सर का, तो वेरिएबल का मतलब डिफरेंट या अलग अलग, वेरी करता है वो कि आप कितना यहाँ पर जो है एक लीटर वाटर में कितना शुगर डाल रहे हैं, 100 ग्राम 200 ग्राम या आधा kg, डिपेंड करता है। तो वेरिएबल कंपोजिशन मेन यही है, आप समझ गए होंगे, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें टाइप्स ऑफ मिक्सर्स, टू टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप हम देख लेते हैं क्या होता है, फर्स्ट टाइप हम यहाँ लिख लेते हैं होमोजीनस मिक्सर, होमोजीनस मिक्सर एंड हेट्रोजीनस मिक्सर। टू टाइप्स के मिक्सर होते हैं आपका होमोजीनस एंड देन हेट्रोजीनस। पहला हम बात करेंगे होमोजीनस मिक्सर की, होमोजीनस मिक्सर क्या होते हैं,
देखिए होमो का मतलब आपको मैं बता देता हूँ, सेम होता है। होमो मीन्स सेम होता है, और जीनस का मतलब क्या होता है, कोई भी एक फॉर्म। तो यहाँ पर क्या है, जब हम ऐसे मिक्सचर तैयार करते हैं जिसको हम मिक्स करने के बाद उसमें हम पहचान नहीं सकते कि हमने उसमें क्या मिक्स किया है, वो कैसे मिक्सचर कहलाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए आप, जो है आपने 1 लीटर वाटर में 100 ग्राम जो है शुगर मिलाया, देन उसके बाद आपने उसको एक बीकर में करके रखा है, और एक बीकर में आपने 1 लीटर पानी में जो है 100 ग्राम जो है सॉल्ट मिलाया, उसको ही मिक्स करके आपने सामने रख लिया। अपने दोनों जो है बीकर आपके सामने टेबल पर रखे हैं, और आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है देखकर जो है बताइए कौन सा जो सॉल्यूशन है शुगर सॉल्यूशन है और कौन सा सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो आप उसको देखकर नहीं पहचान पाएंगे जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करेंगे। तो इस टाइप के मिक्सर क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सर होते हैं, मतलब आपने जो उसमें मिक्स किया था वो क्या हो गया, कम्प्लीटली डिसॉल्व हो गया, मतलब जो है यूनिफॉर्म मिक्सर आप उसको बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब एक सा दिख रहा है, उसमें आपने जो वाटर के अंदर जो सॉल्ट मिलाया है शुगर मिलाया है वो उसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं, मतलब डिफरेंट नहीं दिख रहा है, यूनिफॉर्म है वो। तो होमोजीनियस मिक्सर होते हैं कैसे होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, कम्प्लीटली डिसॉल्व होते हैं और कांट बी सेपरेट, हम इनको सेपरेट जो है नहीं कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल आप लिख लीजिए क्या क्या है, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एंड एयर गैसोलीन सॉल्यूशन, बहुत सारे हैं, आप कुछ जो है इसमें लिख लीजिए, एयर गैसोलीन सॉल्यूशन एट्सेट्रा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन का, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर की आप बात करें, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना बेहतर नहीं होगा, मिक्सचर आप लिख लीजिए। हेट्रो मीन डिफरेंट, आप याद रखना, यहाँ पर हेट्रो मीन डिफरेंट होगा, तो यहाँ पर डिफरेंट होगा आप समझ सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट का मतलब जो आप मिक्सर जो है 1 लीटर वाटर में आपने सैंड जो है मिक्स किया, तो आप उसको कितना भी जो है कितने भी टाइम तक उसको डिसॉल्व कर लीजिए, वो क्या होगा, कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा, यूनिफॉर्म मिक्सर नहीं बनेगा। मतलब आप उसको देखेंगे तो आपको जो है ऐसा नहीं होगा कि आप उसमें वाटर को नहीं विजिबल कर पा रहे हो, मतलब आपको वाटर फिर भी अलग ही दिखेगा, आप उसको कितना भी डिसॉल्व कर लीजिए। तो यूनिफॉर्म मिक्सर नहीं होगा, कम्प्लीटली डिसॉल्व भी नहीं होगा, जैसे होमोजीनियस में क्या था, यूनिफॉर्म था, कम्प्लीटली डिसॉल्व भी था, और कांट भी सेपरेट यहाँ पर था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कैन भी सेपरेट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट पॉइंट नॉन यूनिफॉर्म होंगे, नॉन यूनिफॉर्म एंड अनकम्प्लीटली डिसॉल्व, इनकम्प्लीटली डिसॉल्व होते हैं एंड कैन बी सेपरेट। देखिए यहाँ पर क्या, कैन बी सेपरेट मतलब आपने 1 लीटर वाटर में सैंड मिलाया या आपने उसमें कंक्रीट मिलाया कुछ भी, तो आप उसको कितना भी मिक्स कर लीजिए लेकिन वो आपको कभी भी मिक्स होता हुआ नहीं दिखेगा। आपने मिक्स करने के बाद उसको छोड़ देंगे रखा हुआ, तो वो क्या होगा, आपको बॉटम पर जो है सैंड या कंक्रीट आपको जो है बीकर के बॉटम पर देखने को आपको मिलेगा। तो कैन बी सेपरेट, फिर हम उसको इजीली जो है सेपरेट कर सकते हैं। तो ये आपका मिक्सर्स के टाइप्स हो गए, टू टाइप्स। अच्छा इसमें एग्जांपल भी हम देख लेते हैं, कौन कौन सा एग्जांपल होते हैं, सैंड इन H2O, वैसे आपको बता ही दिया लेकिन आप लिख लीजिए एग्जांपल कौन से होते हैं, सैंड इन H2O एंड
ऑयल इन एस टू, ऑयल इन एच टू, एयर विद डस्ट, एयर विद डस्ट, ये सभी क्या हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर के एग्जांपल हैं। तो आपको याद रखने हैं। अभी इस क्लास में हम इतना ही जो है बात करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे हम एलोट्रोपी, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है एंड आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, और बहुत सारे इसमें बेसिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, अगर आपको अच्छा लगा हो तो, नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा प्लीज़, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।